हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज पोइम की वीडियो बनानी है, लेकिन मैं उससे पहले आपको दिखा दूं, ये क्यूट सा बच्चा छोटा सा। तो ऑयलिंग की वीडियो बनानी है, तो मैं मम्मी से कह रही हूँ कि मुझे ऑयलिंग कर दें। तो फिर वो ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, मम्मी के कंधे में भी दर्द है। तो फिर मैं अभी आपको व्यू दिखाती हूँ सर्दी का। मैं ऊपर छत पे आई हूँ तो आपको दिखाने के लिए स्पेशली। अब आप ये देखें छत का व्यू, बारिश नहीं हो रही फिलहाल तो, लेकिन फिर भी बादल इतने बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ हुआ है। तो अभी ये आई हुई है मानो, छोटी मानो, ये आपको दूर से भी दिखाते हैं। काफ़ी सर्दी हो रही है, इधर आओ मानो, इधर आओ, ये देखो, ये देखो खेले दिए थे। हाँ खेलना नहीं, खेल लो मैं कह रही हूँ। तो अभी आपको व्यू दिखाया, इतना अच्छा व्यू हो रहा है। तो मैं ऊपर कुछ लेने आई हूँ, तो मैंने कहा आपको साथ साथ मौसम दिखा दूँ। ये देखिए कितना अच्छा व्यू हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। तो ऑयलिंग करनी है बालों में, क्योंकि बाल वॉश होने वाले हैं, तो सर्दी भी हो रही है, जुकाम भी हुआ है। तो मैं कह रही हूँ ऑयलिंग नहीं करनी, तो मैं कह रही हूँ मुझे करते हैं, फिर मैं ना वॉश कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा ना रफ हो रहे हैं बाल, ये देखिए आप। तो अभी मैं ना फिर नीचे जाती हूँ, फिर अम्मी से देखते हैं मुँह कैसा है उनका। तो अभी नीचे चलते हैं और अम्मी को कहते हैं ऑयलिंग कर दे बालों में। ये मैं स्टैंड लेके जा रही हूँ, इस पे मोबाइल लगा के फिर वीडियो शूट होनी है, वो नीचे चलते हैं। तो अभी मैं नीचे आ रही हूँ, अब तो कर दें ऑयलिंग। मैं स्टैंड लेके आ गई, ये देखिए अम्मी बैठी है, वो ठंड है, मुझे नहीं होता। अम्मी को सर्दी ज्यादा लग रही है, मेरे बाजू में भी दर्द है, इनके ना सर्दियों की वजह से शोल्डर में दर्द है। आप दुआ करें जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और मुझे ऑयलिंग कर देना, ये बड़ा तंग कर रही है, इनको कहें ऑयलिंग कर दे। चले बैठ, हो गए रेडी? हो गई है, आपकी वजह से, आपकी मदद से, वैसे नहीं हो रही थी। तो अभी मैं स्टैंड पे लगा के ना फिर शूट कर। चले जी, अभी ऑयलिंग अम्मी स्टार्ट करने जा रही हैं। ये सरसों का ऑयल लिया है हमने, सर्दियों में ज़्यादातर वैसे कोकोनट होता है, तो फिर मुझे कोकोनट ना सूट नहीं कर रहा था, सरसों का सूट कर जाता है, मैं फिर वही यूज़ करती। हो रहा है शोल्डर में दर्द? नहीं, शोल्डर में दर्द तो नहीं हो रहा, सर्दी लग रही है। और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, खासकर इस मौसम में, क्योंकि सर रोज़ रोज़ वॉश नहीं हो रहा होता, वीडियो के लिए फिर वॉश करना पड़ता है। मानू कहाँ गई? उसको बाहर निकाल दिया मैंने, तंग कर दी थी। इस हाथ से नहीं मुझे कर किया गया था, दर्द बहुत हो रहा है। क्यों ना? उम्र आ गई, उम्र कह रहा मुझे भी लगा दो। चलो नहीं लगाते, लड़कों को नहीं लगाते। तेल नहीं, मैं कहता मुझे तेल लगा दो। तेल लड़कों को नहीं लगाते। तेल और डाल दी। चलिए ऑयल डाल दी अम्मी को लगाने से, इधर है
शादी तो भी जाने की तैयारी कर रही हूं। सर्दियों की शादी मजा ही आ रहा था ना, गर्मियों की मजा आ रहा था। ये नॉर्मल वाला मौसम होता है इसमें इसमें चले जाते हैं। शॉपिंग करने भी जाना है ना। आप घर में रहे, हम चले जाते हैं। चलो ये बहुत सही है। तुम आंटी तेरी ना रानी को चल बात बात कर लेंगे अब आंटी से। तो जी आप चले जाओ, शादी पे मैं नहीं जाती। ठीक है उमर? सब ले जाना इकट्ठे जाना। मच्छी खानी है आंटी से, कहेंगे ना आंटी जी हमें खिला दे मच्छी। आंटी के पास ही दरिया है और इसको छोड़ा है किधर ही। ठीक है, तेल तेल नहीं मिलता, मछली मिलती है वहाँ से। आहिस्ता, सर्दियों की वजह से डैंड्रफ हो गया बालों में, उसकी वजह से रूट्स दर्द कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मम्मी को कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर अम्मी कहीं जा रही है। मैं जल्दी जल्दी दफा करना है। अभी ना दो तीन दिन हो गए, कह रही हूँ लगा दो लगा दो, मुझे ना जुकाम हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ये देख के तो वो मेडिसिन ली है, कुछ आज बेहतर हुआ है तो धूप का कोई दूर तक नहीं लग रहा कि धूप निकलेगी आजकल भी। मैं तो कह रही धूप निकलेगी, ऊपर बैठ के फिर लगवाएंगे, तो धूप ही नहीं निकल रही। फिर रफ था कि सर वॉश करना, रफ हो गए तो बाल ना, फिर इसी के लिए फिर ऑयलिंग करवाई है बड़ी मुश्किल से। अभी मम्मी जी मानी है अपना मकान है तो गीजर वगैरह बंदा लग रहा है। रात के मकान में अच्छे होते हैं। उमर ने कितने सूट लेने हैं शादी पे जाने के लिए? उमर उमर के दो पड़े हैं, वही वाले डाल दिए। उमर कह नहीं लेने उमर कहो इतनी ठंड में मुझसे तो नहीं बता रहा जाता क्या। दो सूट लेने और नहीं क्या? मैंने खुद लेने तेरे तो घर में सिलाई हो जाएंगे, लेकिन दूसरे उम्र की ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती हैं। मुश्किल से पूरी हो रही है तेरे, इतनी बड़ी ख्वाहिशें हैं। कुछ तो है, कितने दिन हो गए कह रही हूँ लोग कल। मेरी जो दूसरी सिस्टर है वो लगवा लेती है, उनको लगाना नहीं आता, तो मम्मी से फिर कहना पड़ता है मुझे लगा दे। लेकिन ये है कि मम्मी के हाथ में दर्द होता है उसकी वजह से।
लगी। बूट भी लेना भाई, अभी से लिस्ट आप लिख के रख लो क्या कुछ लेना है। गड्डी भी लेनी है एक जाने के लिए, ठीक है। बाइक पे जाना, ठीक हो गया, पहुंच गया फिर तू। नहीं इतनी दूर जाना है, ये साथ नहीं जाना, इजाज के साथ जाना है। चल चल चल, इजाज को फोन करो ना, जाओ बाइक के नंबर से ना इजाज को फोन करो, तो उसको कॉल आ जाए बाइक पे। इजाज आ जाए, उम्र को ले जाओ। मैं कहाँ है? तो तेरा मेरी कोई इसको नहीं उतार। आई हाँ हाँ, इस पे कर लो भाई, आ गए ना, उन्होंने कोट लगा लिया, उनका मोबाइल रखते रखते चुप करते रखते भाई ने मान लिया। और निजाल से पता क्या कहना, कहना मेरी थोड़ी शादी है, मैं लेनी हूँ। जाने कहना जिनकी शादी है उनको जाओ, जाओ के शादी देख के। होने लग गया था, बस थोड़े से सर पे कर दे और करो लाडिए, वो भी से दोबारा बाइक पे बैठ के ज्यादा दूर जाना है, काफी ज्यादा दूर शायद जाए, देखो सर्दी काफी ज्यादा हो रही है, धूप वगैरह निकल आए तो फिर तो और है ना, फिर चले जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा धूप वगैरह निकले। 10 घंटे का सफर है। हाँ बस पे बैठ के जाना इतनी दूर। देखिए सर में कुछ है, बारिश होती रहती है डैंड्रफ की वजह से। चल भी नहीं लिया, मैंने ना जर्सी पहनी, नहीं होगा रहने दे, नहीं होगा, हो गए नहीं, सब सर्दी की वजह से बचत हो गई अभी। चलो जी ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।